टेस्ट है जिसे यूज करके आप कुछ भी ट्रेंड करवा सकते हैं। जी हाँ भाई, सोशल मीडिया का दौर है, आप यहाँ से वीडियो पोस्ट कीजिए और वहां तक वायरल हो जाएगा, क्योंकि यही तो होता है सोशल मीडिया पर। हाय, मेरा नाम अदिति है और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज की स्पेशल स्टोरी मेरे साथ। आज की वीडियो में नजर डालेंगे कि पूरे दिन सोशल मीडिया पर क्या क्या ट्रेंड हुआ और क्या क्या वायरल हुआ, लोगों ने किस वीडियो को जब लुत्फ उठाया और किसकी आलोचना की। तो सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग जावेद हबीब। जी हाँ, जावेद हबीब द मशहूर हेयर ड्रेसर जिनका वीडियो मुजफ्फरनगर से वायरल हुआ। इस वीडियो में जावेद हबीब एक वर्कशॉप ले रहे हैं और महिला के बालों के साथ कुछ करते हुए नजर आ रहे। इस दौरान जावेद हबीब अचानक से महिला के बालों में थूक देते हैं और कहते हैं, अगर आपके पास पानी की कमी है या फिर पानी ना हो तो बालों में थूक भी सकते हैं, मेरे थूक पे जान है। इस वीडियो को जैसे ही वायरल हुआ तभी से जावेद हबीब की आलोचना शुरू हो गई। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर जावेद हबीब को ट्रोल करना शुरू कर दिया और जावेद हबीब को बहिष्कार करो इसकी मांगे उठने लगी। साथ ही साथ ये वीडियो जिस महिला के साथ हुआ उसका नाम पूजा गुप्ता है जो बागपत की रहने वाली है। वीडियो के वायरल होने के बाद महिला ने कहा कि जावेद हबीब ने मेरा अपमान किया है, उन्होंने मेरे बालों में थूक कर ये मेरे साथ बेहद ही घृणाजनक अपमान था। इसके बाद उन्होंने सीएमओ से कार्रवाई की मांग की। फिलहाल महिला की केस पर कार्रवाई दर्ज हो चुकी है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जावेद हबीब ने भी माफी मांग ली। हैशटैग टिपटिप बरसा पानी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आए दिन कुछ न कुछ वीडियोस वायरल होते रहते हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में एक और वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तानी शख्स टिपटिप बरसा पानी पर डांस करते हुए नजर आया। ये वीडियो इसलिए भी वायरल हुआ क्योंकि गाना बॉलीवुड का है और वीडियो वायरल हुआ है पाकिस्तान से। खैर, पाकिस्तान के लोगों ने जमकर इस वीडियो को पसंद भी किया और बाद में ये भी हुआ कि आखिरकार ये शख्स है कौन। कहीं किसी कुछ लोगों ने इसे बताया कि सांसद है, तो कुछ लोगों ने इसे बताया कि ये पाकिस्तान के सांसद का रिश्तेदार है, तो इस वीडियो पर जमकर वायरल हुआ। खैर, जो भी हो, लेकिन इस वीडियो को जमकर लोगों ने पसंद भी किया। हैशटैग स्टॉप डिफेमिंग पंजाब, हैशटैग स्टैंड विद मोदी। जी हाँ, पंजाब ने जैसे ही पीएम की सुरक्षा का मामला धूल पकड़ा वैसे ही ट्विटर पर भी घमासान मचा हुआ है, जहाँ एक और मोदी भक्त हैशटैग स्टैंड विद मोदी कहकर जमकर बवाल काट रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में मोदी के साथ गलत व्यवहार हुआ, उनकी जान खतरे में थी, उनके लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता जमकर ट्विटर पर घमासान मचा रहे हैं। तो वहीं पंजाब के कार्यकर्ता और पंजाब सीएम के चाहने वाले ये भी कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पीएम के साथ वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस बात को जबरदस्ती राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, इसलिए उनकी ओर से हैशटैग स्टॉप डिफेमिंग पंजाब ट्रेंड करवाया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये हैशटैग दिन भर ट्रेंड रहे और लगातार वायरल भी होते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो से पहले आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।